हाँ, कोई प्रश्न किसी को? नहीं, चले आगे। अवधि ज्ञान, तीनों ही ज्ञानों में तारतम्यता है तो अनेक है ना, है मतलब तारतम्यता में हिनाधिक होते हैं। किसी को मति शुद्ध ज्ञान अच्छा हो सकता है, अवधि ज्ञान ना हो, किसी का अवधि ज्ञान अच्छा हो सकता है, मति शुद्ध ज्ञान कम हो, तीनों है तो अच्छी बात है। हिनाधिकता तो होती है ना, क्या सब कर्म का छह उपशम अलग अलग है, सब में छह उपशम मेन कारण है। किसी का अवधि ज्ञान हो उनका छह उपशम अच्छा हो, मति शुद्ध ज्ञान का कम हो, मति शुद्ध ज्ञान का अच्छा हो, अवधि ज्ञान का कम हो, ऐसा कुछ नहीं। मिथ्या दृष्टियों के भी अवधि ज्ञान हो जाता है, और सम्यक दृष्टि एक है मनुष्य त्रियंत जिनको भी अवधि ज्ञान नहीं होता है। अवधि ज्ञान होने से कोई देव का विकास नहीं हो जाता, सभी देवनारकों को मिल जाता है अवधि ज्ञान, को वो विभंग अवधि ज्ञान कहलाता है। इसका इससे कोई बड़ी बात नहीं, ये तो सब देवनारकी इसका उपयोग भी लड़ने भिड़ने के लिए करते हैं। देव नहीं, नारकी लोग, नारकी लोग जो इसका उपयोग करते हैं लड़ने के लिए। कौन आ रहा है लड़ने? बिल्ली की आंखें अंधेरे में किसके काम आती है? चूहा देखने के लिए। शेर की आंखें शिकार करने के लिए। आंखें ज्यादा मिल भी गई तो काम के क्या है? हाँ, मतलब लड़ने में काम लग रहा है। अवधि ज्ञान तो अच्छा है, ज्ञान का संरक्षण होना तो अच्छी बात है, लेकिन उसका उपयोग काय में करें? दुखी है ना, दुखी है। नहीं, ज्ञान दुख का कारण नहीं है, वो दुख का उसमें उपयोग करता है। जैसे किसी की दिमाग अच्छा हो लेकिन उसकी दिमाग बुद्धि लड़ने में लगती हो, तो उसने अपनी बुद्धि का क्या किया? दुरुपयोग किया। अकल बहुत रहती कई लोगों को, लेकिन वो अकल उनकी लड़ने में काम आती, बहस करने ही वो काम नहीं करेंगे क्या? तो अब अकल तो है, अकल की कोई कमी नहीं है, लेकिन बस अकल इस बात में लगा रहे हैं कि काम कैसे नहीं करना। कम है सब, सबके अवधि ज्ञान के असंख्यात भेद है। भवन वासी अंकल ज्योतिषी हीन होते हैं सर, इनका अवधि ज्ञान बहुत कम होता है। इनका जन्म के समय को अवधि होता है, बाद में शुभ अवधि हो सकता है, पैदा होते हैं सब मिथ्याप सहित नियम से, सम्यक की कोई इनमें पैदा ही नहीं होता है, इसलिए जन्म के समय तो अवधि ज्ञान होते ही नहीं है। एक अंतर में बाद उनको होता है तो वो कुआ अवधि होता है, फिर बाद में सम्यक प्रकट कर ले और कुआ अवधि शुभ अवधि में बदल जाए वो एक अलग बात है, लेकिन जन्म के समय उनको कुआ अवधि ज्ञान ही होता है। किनको? भवन वासी अंतर ज्योतिष वैमानिकों में जरूर देवों को सुअवधि भी जन्म से होता है। ऐसे नरक में भी पहले नरक के नीचे दूसरे से सातवें नरक तक जितने भी हैं उनको सबको कुअवधि ज्ञान ही होता है जन्म के समय। केवल पहला नरक ही ऐसा है जहाँ जन्म के समय सुअवधि ज्ञान हो सकता है। इसका मतलब पहले नरक में सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न होते हैं, पहले नरक के नीचे सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होते, और ऐसे देवों में भी वैमानिकों में ही सम्यक दृष्टि उत्पन्न होते हैं, भवनवासी अंतर ज्योतिषियों में सम्यक दृष्टि उत्पन्न ही नहीं होते। हाँ, कौन? अवधि ज्ञान अभी अभी नहीं आता, वो होता भी है तो बहुत बारीक सा है, जरा सा कुछ खास नहीं, जैसे होता है होता है, जन्म से नहीं, जरा सा बाद में होता है गुणों के निमित्त से, और वो बहुत हीन है, नहीं के समान, और वो भी किन्हीं किन्हीं को होता है। सबको नहीं होता है, जिनको सम्यक दर्शन होता है उनको सुअवधि होता है। नौवे ग्रह के ऊपर सबको सुअवधि होता है, और नौवे ग्रह तक कुअवधि और सुअवधि दोनों होते हैं। और कोई प्रश्न? चलो आगे चलते हैं। और क्षयोपशम ज्ञान नियम वगैरह के आचरण से होता है। ज्ञानारण का क्षयोपशम कैसे होता है?
ज्ञान के आचरण, ज्ञान और नियम व्रत नियम के आचरण से होता है, माने संयम आदि के निमित्त से होता है, व्रत के नियम, व्रत नियम के आचरण से। किंतु देवों और नारकियों के व्रत नियम तो होते ही नहीं, अतः उनमें देव नारकी का भाव माना ही क्षयक्षम के होने में कारण होता है, उनको भाव ही मिला इसलिए क्षयक्षम अवधि ज्ञानावरण का होता ही, उन्हें भाव ही उनके भाव ही उनको अवधि ज्ञान होने में कारण, जिसको वो भाव मिलेगा उसको अवधि ज्ञानावरण का क्षयक्षम नियम से हो ही होगा। इसी से उनमें होने वाला अवधि ज्ञान भाव प्रत्यय जिसके होने में भाव ही कारण है कहा जाता है, क्योंकि उनको अवधि ज्ञान भाव से ही मिलता ही है ना, उस भाव में उनका अवधि ज्ञान होता ही है, इसलिए उसको क्या कहा तुमने, भाव ही जिसमें कारण है ऐसा भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान। अर्थात जो देव और नारकियों में जन्म लेता है उसके अवधि ज्ञानावरण का क्षयक्षम हो ही जाता है, अतः क्षयक्षम के होने में भाव ही मुख्य कारण है। इतना विशेष है कि सम्यक दृष्टियों के जो अवधि ज्ञान होता है, सम्यक दृष्टियों के अवधि ज्ञान होता है और मिथ्या दृष्टियों के वो अवधि ज्ञान होता है। दूसरा इन्होंने ब्रैकेट में कहा कि भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान तीर्थंकरों के लिए होता है, तीर्थंकरों का भी जो अवधि ज्ञान होता है जन्म से वो भाव प्रत्यय कारण है, भाव ही कारण है, तीर्थंकरों के अवधि ज्ञान में वो तीर्थंकर का भाव ही कारण है, तीर्थंकर का भाव मिला है तो अवधि ज्ञान नियम से हो गई। जन्म से जो तीर्थंकर प्रकृति लेके आया है, पूर्व में तीर्थंकर प्रकृति जिसने बांधी है और जन्म से जो तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता सहित उत्पन्न हुआ है, उसके जन्म से ही अवधि ज्ञान नियम से होता है। तीन ज्ञान सहित उत्पन्न होते हैं, मतिश्रुत अवधि विराजक मतिश्रुत अवधि ज्ञान, तो उनका भी क्या कारण है, भावी कारण, क्योंकि भाव नियम जैसे देव नारकियों के नियम है, देव नारकी में जो भी सम्यक दृष्टि उत्पन्न होगा उसको नियम से अवधि ज्ञान हो गई होगा, ऐसे जो भी तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता लेके जीव उत्पन्न हुआ है उसको अवधि ज्ञान नियम से हो गई होगा। हैं? देश प्रत्यय अलग चलेगी गाड़ी, भव प्रत्यय गाड़ी अलग है। देखो दो भेद करेंगे, भव प्रत्यय और क्षयक्षम निमित्त तक भव प्रत्यय होता है, क्षयक्षम तो है ही कारण सब में, क्षयक्षम के बिना तो किसी को भी नहीं होगा, लेकिन जिस क्षयक्षम का ये जिस जिसमें ये माने जिस भाव में क्षयक्षम मिलने का नियम है कि ये भाव मिलेगा तो ज्ञान अवधि ज्ञानावरण का क्षयक्षम हो गई होगा, तो वहाँ हमने सीधे भाव को ही कारण कह दिया, कारण तो अवधि ज्ञानावरण का उनका क्षयक्षम है, लेकिन जिस भाव होने जिस ऐसे भाव जिन भाव में वो अवधि ज्ञानावरण का उनका क्षयक्षम नियम से होता ही है, तो वो हमने सीधे उसको क्या कह दिया, भावी कारण। तो है तो असली कारण क्षयक्षम, लेकिन जिस भाव में क्षयक्षम नियम से मिलता है उस भाव को कारण कह दिया जाता है, भाव प्रत्यय के लिए गुण प्रत्यय क्षयक्षम निमित्त के कौन को तीर्थंकर को जन्म से अवधि ज्ञान गुण प्रत्यय जो है वो उनको गुण प्रत्यय जो क्षयक्षम मतलब उनका तो भाव से ही है ना, नया कहाँ हो रहा है, उनको बदल क्या जाता है, अवधि ज्ञान तो अवधि ज्ञान ही रहेगा ना, अवधि ज्ञान जिसको है सो है, अब उनका वो देशावधि था तो परमावधि हो जाएगा सर्वावधि हो जाएगा, लेकिन अवधि ज्ञान तो पहले से ही था, अभी उत्पत्ति का कारण समझ रहे हैं पर उसमें फिर क्या वृद्धि हो रही है उसकी बात अलग करेंगे, कि उत्पत्ति क्या होती है, देव तीर्थंकर का यदि भाव मिलेगा तो उनका अवधि ज्ञान नियम से उत्पन्न हो ही जाएगा। अभी चक्ररत्न कहाँ से आ गया एकदम, नहीं ठीक है पर चक्ररत्न अवधि ज्ञान से उसका कोई लेना देना नहीं, चक्रवर्ती होगा तो चक्ररत्न हो ही होगा, अवधि ज्ञान चक्रवर्ती को जन्म से नहीं होता, नहीं केवल तीर्थंकर का नियम है, चक्रवर्ती को जो अवधि ज्ञान होता है वो तीर्थंकर की धर्म सभा में जाने के बाद उत्पन्न होता है, दीक्षा लेते समय तो हो ही जाएगा,
कुछ नियम नहीं लिखा है चिन्हवाणी में कि होता है इसके पहले नहीं होता है, हम कैसे बोल दें? पूरा मरते दम तक बढ़ घट सकता है ना, कभी बढ़ सकता है कभी घट सकता है। अवधि ज्ञान के वैसे तीन भेद और अलग तरह से कर सकते हैं अपन, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। इसमें जो देशावधि होता है वो भव प्रत्यय भी होता है, क्षयोपशम निमित्तक भी होता है, और परमावधि और सर्वावधि वो क्षयोपशम निमित्तक अर्थात गुण प्रत्यय ही होता है, और वो मनुष्य को ही होता है। मनुष्य में भी छठे सातवें गुणस्थान वर्ती महामुनिराजों को होता है, और उसी भाव से जो मोक्ष जाते हैं उन्हीं को होता है, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले महामुनिराजों के होता है और किसी के नहीं होता है। परमावधि सर्वावधि, अभी किसको है परमावधि सर्वावधि? उसी भाव से मोक्ष जाने का नियम होता है इसका। अभी यहाँ किसी को भी नहीं है तो देशावधि के ठिकाने नहीं है। परमावधि सर्वावधि तो बहुत जरूरी बात है। सर्वावधि सबसे बड़ा होता है, सबसे उत्कृष्ट अवधि ज्ञान है वो सर्वावधि है, माने वो परमाणु को भी जान लेता है और क्षेत्र में पूरे लोकाकाश को जान सकता है। तो एक लोकाकाश में असंख्यात लोकाकाश है उसको जानने की सामर्थ्य होती है, और काल में असंख्यात कल्प काल आगे पीछे भी जानता है, असंख्यात चौबीसियों के नाम बता सकता है। जैसा एमए जैसा है, एमए होना अलग बात है, और जैसा भी क्या है उसके सामने कुछ भी नहीं है। कहाँ गंगू तेली और कहाँ राजा भोज, कहाँ समुद्र की एक बूंद तो कहाँ समुद्र, जैसा कैसे हो गया? अनंत काल आगे पीछे की जानता है केवल ज्ञानी, और ये अवधि ज्ञानी तो असंख्यात भाव की जानता है। तो असंख्यात और अनंत में बहुत बड़ा अंतर है, और वो अरूपी को भी जानता है, ये रूपी पुद्गल को ही जानेगा, पुद्गल के संबंध से संसारी जीव को जानेगा, लेकिन धर्म अधर्म आकाश काल की नहीं जानेगा। वो स्थूल जानता है, वो सूक्ष्म जानते हैं, एक देश जानते हैं, सुपूर्ण जानते हैं, इसमें सीमा है उसमें कोई सीमा नहीं है, बहुत अंतर है। पूरा लोकाकाश, और ऐसे एक नहीं असंख्यात लोकाकाश भी हो तो उसको जानने की सामर्थ्य रखता है। असंख्यात कल्पकाल, कल्पकाल माने एक कल्पकाल में 20 करोड़ कोटि सागर होते हैं, ऐसे असंख्यात कल्पकाल आगे पीछे की जान सकता है। समझ में आ रहा है कुछ? ऐसा अब देखो क्षयोपशम निमित्त का अवधि ज्ञान समझते हैं। जैसे इसमें चार दिए हैं, थोड़ा देखना कि घर जाके देखते हो कि नहीं, क्या पता यही देख लो। अवधि ज्ञान किन किन को होता है? भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। अन्य प्रकार से भी अवधि ज्ञान के भेद की देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। देशावधि भव प्रत्यय भी होता है, गुण प्रत्यय भी होता है, परमावधि और सर्वावधि। और क्षयोपशम निमित्तक जो गुण प्रत्यय कहा वो मनुष्य और तिरंचो को होता है। देव और नारकियों का भव प्रत्यय कहलाता है, और मनुष्य और तिरंचो में तीर्थंकरों को छोड़ता है, बाकी सबका क्या होगा? गुण प्रत्यय, माने गुणों के निमित्त से होगा, गुण होने चाहिए। अब वो गुण कौन से होने चाहिए? तो गुण सम्यक दर्शन तो ही, जैसे सम्यक तो इसके अलावा व्रतादिक हो, संयम हो, चारित्र की विशुद्धि हो, कषायों का अभाव हो, जो जो विशुद्धि बढ़ेगी आत्मा की त्यों त्यों उसको अवधि ज्ञान के होने की संभावना रहेगी। सम्यक तो सु अवधि ज्ञान के लिए जरूरी है। आगे चले अपन, आगे क्षयोपशम निमित्त का अवधि ज्ञान किसके होता है ये बतलाते हैं। क्षयोपशम निमित्त षड विकल्प शेषाणाम, क्षयोपशम निमित्त जो शुद्ध ज्ञान है षड विकल्प, छह विकल्प वाला है, और शेषा नाम माने जो शेष बचे हैं उनको होता है।
शेष कौन बचे हैं? देव और नारकियों के अलावा मनुष्य। तो उनको कौन सा होता है? छह ऑप्शन निम्न, और वो कितने विकल्प, कितने भेद वाला है? छह भेद वाला। छह ऑप्शन निमित्त का अधिज्ञान छह भेद वाला है, और वो मनुष्यों और त्रियंचों के शेष जीवों के अर्थात मनुष्यों और त्रियंचों को होता है। और मनुष्य और त्रियंचों में भी मनुष्य में किसको छोड़ना है? तीर्थंकर को छोड़कर अन्य मनुष्यों और त्रियंचों के होता है। शेषाणा माने जो शेष बच गए, तो मनुष्यों में तीर्थंकर के अलावा जो शेष बचे हैं उनको और सभी और त्रियंचों को, मैंने त्रियंचों को और मनुष्यों को जो होगा अवधि ज्ञान वो कौन सा कहलाएगा? छह। इसमें गुण कारण छह निमित्त को अपन गुण प्रत्यय भी कह सकते हैं, गुण जिसमें कारण। देखो छह निमित्त नामक अवधि ज्ञान छह प्रकार का होता है। कितने प्रकार का है? छह प्रकार, और वह मनुष्य और त्रियंचों के होता है। मनुष्य में तीर्थंकर को माइनस कर देते हैं क्योंकि उनका बहुत प्रत्यय है। अवधि ज्ञान कर्म का छह ऑप्शन जिसमें निमित्त है उसे छह ऑप्शन निमित्त का अवधि ज्ञान कहते हैं। क्या निमित्त हो? अवधि ज्ञान कर्म का छह ऑप्शन ही जिसमें कारण, भव का कोई नियम नहीं। अवधि ज्ञान कर्म का छह ऑप्शन होना चाहिए, पर अवधि ज्ञान कर्म का छह ऑप्शन होता है गुणों के निमित्त से, जिसमें मतलब जिसके गुण अधिक होंगे उसी के ज्ञान का छह ऑप्शन अधिक होगा, जिसके गुण कम होंगे उसके ज्ञान का छह ऑप्शन अधिक कैसे होगा? इसमें गुण कारण हुआ ना, मैंने ज्ञान का छह ऑप्शन कब बढ़ता है? जब आत्मा में गुणों की वृद्धि होती है, तो इसलिए ये छह ऑप्शन मैंने गुणों की वृद्धि होने पर होता है, गुण कारण है इसका। ज्ञान का छह ऑप्शन मिलना मैंने ज्ञान का विकास होना ये गुणों के निमित्त से होता है। अवधि ज्ञान कर्म का छह ऑप्शन जिसमें निमित्त से छह ऑप्शन निमित्त का अवधि ज्ञान कहते हैं। यद्यपि सभी अवधि ज्ञान छह ऑप्शन के निमित्त से होते हैं, फिर भी इस अवधि ज्ञान का नाम छह ऑप्शन निमित्त इसलिए रखा गया है कि इसके होने में छह ऑप्शन ही प्रधान कारण है। मैंने भाव का कोई नियम नहीं, छह ऑप्शन ही मेन कारण है, छह ऑप्शन के कारण से ही हो रहा है। अवधि ज्ञान कर्म का छह ऑप्शन है, छह ऑप्शन का मतलब क्या है? दबा हुआ है। दबा कैसे है? ज्ञानावरण का दबना कैसे होगा? अपने परिणामों में विशुद्धि बढ़ेगी तो कर्म दबेगा, परिणामों की विशुद्धि से हुआ ना काम। तो इसके होने में छह ऑप्शन में प्रधान कारण है, भाव नहीं। इसी से इसे गुण प्रत्यय भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? गुण प्रत्यय। प्रत्यय माने कारण, तो गुण इसके होने में कारण है, इसलिए इसको गुण प्रत्यय भी कहते हैं। इसके छह भेद है, कौन कौन से? अनुगामी, अनुगामी, वर्तमान, यमान, अवस्थित और अनवस्थित। छह भेदों के नाम लिखे हैं। मिले छह भेद कहाँ लिखे? देखो अनुगामी, अनुगामी, वर्तमान, यमान, अवस्थित, अनवस्थित। अनुगामी का क्या मतलब है? अनुगमन करे, जो साथ में जाए। पत्नी को अनुगामी नहीं कहते हैं, तो पीछे पीछे जाए, समझ में है ना? अनुगमन करे तो जो अवधि ज्ञान स्वामी के साथ जाए, मैंने जहाँ जहाँ स्वामी जाए मामा अवधि ज्ञान भी साथ में जाए, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भी जाए तो भी अवधि ज्ञान साथ में रहे। जैसे यहाँ से विदेश क्षेत्र में चले जाए तो ज्ञान बरकरार रहे, कमी नहीं हो, चला नहीं जाए, उसका नाम क्या है? अनुगाम। भाव भी बताएंगे आपको, क्षेत्र में जाने का नियम है उसको क्षेत्रानुगामी कहेंगे, और क्षेत्र में जाने का नियम नहीं है तो क्षेत्रानुगामी नहीं कहलाएगा। और क्षेत्र में जाने का तो है, क्षेत्र में तो चले जाएगा लेकिन अगले भाव में साथ नहीं जाएगा तो उसको भवानुगामी नहीं कहेंगे, और क्षेत्र में भी जाए और अगले भव में भी चले जाए तो उसको क्या कहेंगे? क्षेत्रानुगामी भी कहेगा कहा जाएगा और भवानुगामी भी कहा जाएगा। अरे यहाँ से विदेश क्षेत्र में चल, यहाँ तो दिमाग चल रहा है, मंदिर में सब याद आ जाता है, और क्षेत्र बदल दिया, अवधि ज्ञान चला गया।
ठीक से समझा रहा हूँ मैं, गलत क्षेत्र से विदेश क्षेत्र गए, क्षेत्र चेंज हो गया, बहु का चेंज हो गया, जैसे जीते जी नहीं जा सकता विदेश क्षेत्र, जीते जी भी चले जाते हैं गलत क्षेत्र से विदेश क्षेत्र, तो वो अवधि ज्ञान वहाँ भी कायम रहना। कई ज्ञान ऐसे होते हैं जो यहाँ तो है अभी तो सब याद है और घर जाते ही भूल जाते हैं, तो क्षेत्र में इस क्षेत्र में याद है अगले क्षेत्र में चला जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इसलिए जो क्षेत्र में भी साथ जाए तो क्षेत्र में साथ जाए क्षेत्रानुगामी, और जो भाव में भी साथ चले जाए तो भावानुगामी। जो भाव में जाएगा वो लगभग क्षेत्र में तो चली जाएगा इतनी ताकत, लेकिन क्षेत्र में जाएगा भाव में नहीं जाए, अनुगामी माने अन्य क्षेत्र में साथ न जाए, अन्य भाव में साथ न जाए, वो अनुगामी, अनुगामी नहीं है वो अनुगामी, माने जो अनुगमन ना करे साथ साथ ना जाए, भाव तो बदल जाए अवधि ज्ञान के ही नष्ट हो जाए, अगले भाव में साथ न जाए, अथवा क्षेत्र बदलने पर ही नष्ट हो जाए, विदेश क्षेत्र गए तो अवधि ज्ञान खत्म, तो अनुगामी। वर्तमान जो अवधि ज्ञान निरंतर बढ़ता रहे, जैसे चंद्रमा की कला निरंतर बढ़ती है एकम से लेकर पूर्णिमा तक, दृष्टि चौथ पांचवी बढ़ रहा है ना, चंद्रमा भी बढ़ रहा है, और फिर जब ये महीना पूरा हो जाएगा फिर क्या होगा, चंद्रमा घटेगा, कब तक, दिवाली तक, अभी बढ़ रहा है पूर्णिमा तक, फिर कार्तिक कृष्ण अमावस्या आएगी तब घटता जाएगा, तो ये बढ़ता जाए वो वर्धमान, और अमावस्या की तरह घटता जाए वो हीमा। तो कोई अवधि ज्ञान ऐसा होता है जो बढ़ता ही जाता है, और कोई अवधि ज्ञान ऐसा होता है जो धीरे धीरे कम ही होता जाता है। जैसे अवधि ज्ञान दो प्रकार का, कम होकर क्या होगा, अंत में यदि मरण नहीं होगा तो नहीं खत्म होगा, मरण हो जाए तो ये मरण ही मतलब मरण होने के पहले भी खत्म हो सकता है, और कम होते 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 उसके पहले ही खत्म होता है, उसके पहले ही मर जाए, तो कम तो हुआ लेकिन वो खत्म नहीं हुआ क्योंकि वो जीव पहले ही मर गया। कौन सा देव और नारकियों के भाव पर्यंत तो रहेगा, कम ज्यादा होगा, लेकिन मनुष्य और तिरेंचों के भी तो होता है ना, छह अक्षर निमित्त तक खत्म भी हो सकता है, समाप्त भी हो सकता है, चला भी जा सकता है, भाव प्रत्यय में हीमान हो सकता है, समाप्त नहीं होगा, छह भेद लगेंगे, कौन से दिन लगेंगे, नहीं गुण प्रत्यय के है, भाव प्रत्यय में कुछ कुछ लगेंगे, लगाएंगे तो जैसे अनुगामी, अनुगामी तो भाव उसी भाव के अंदर है, वो अनुगामी है, अनुगामी कैसे होगा, समय दृष्टि के अनुगामी भी हो सकता है, तीर्थंकर नहीं भी बने तो भी कोई जन्म से लेके आ सकता है ना, नहीं नहीं हो सकता है, तीर्थंकरों का तो नियम से होता ही है, लेकिन अन्य भी अनेक जीव है जो जन्म से सम्यक लेके आ सकते हैं, हाँ अवधि ज्ञान भी, अवधि ज्ञान हाँ हाँ जन्म से अवधि ज्ञान लेके आ सकता है, जन्म से प्रथम समय से कोई दिक्कत नहीं है, मतलब नियम नहीं है तीर्थंकरों के अलावा अन्य जीवों का कि वो जन्म से अवधि ज्ञान सहित ही उत्पन्न होंगे, लेकिन तीर्थंकरों का तो ये नियम ही है कि वो अवधि ज्ञान सहित ही होंगे, बाकी जीव के हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जो जीव जो है जहाँ मरा देव पर्याय में सम्यक सहित मरा यदि, तो वो यहाँ मनुष्य पर्याय में अवधि ज्ञान लेकर भी उत्पन्न हो सकता है, सम्यक से मरना नियम है कि सम्यक सहित मरना चाहिए उसको, यदि मिथ्यात्म मरेगा तो नियम से उसको यहाँ मनुष्य पर्याय में जन्म के समय अवधि ज्ञान नहीं होगा। देशावधि है, हे दोनों देशावधि, परमावधि सर्वावधि नहीं है, बहुत जीव का वर्णन है, बहुत जीव तो जन्म से छाई समय दृष्टि भी और अवधि ज्ञानी भी, करना नहीं होता पूरा उसका उसका काल बनाते हैं ना अवधि ज्ञान का, तो वो काल कितने काल अवधि ज्ञान कितने काल तक टिक सकता है, 33 सागर से कुछ अधिक, तो 33 सागर से कुछ अधिक कैसे रहेगा, पहले का ही भाव ले लिया बाद का ही भाव ले लिया, कोई दिक्कत नहीं उसमें, अवधि ज्ञान लेके ऐसे अनेक जीव पैदा हो सकते,
यूज़ करना नहीं करना अलग बात है, ए कब से करता है तो जब थोड़ी बुद्धि जागृत होगी अच्छी तो ही करेगा। एक ए फिर इसके बाद में अवस्थित, अवस्थित माने जो जैसा अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ वो वैसा का वैसे ही रहे, न बढ़े न घटे, जैसा है वैसा का तैसा, जो कहते हैं अवस्थित। और एक अनवस्थित, जैसे कभी बढ़ जाए कभी घट जाए, क्या जैसे पान समुद्र की तरंगे कभी बहुत ऊंची आ जाए कभी नीचे आ जाए, कभी कम आए कभी ऊपर उठ जाए कभी घट जाए, ये तो चलती रहती है ना, तो ये कोई ठिकाना नहीं, कभी बढ़ जाए कभी घट जाए, उसको क्या कहते हैं अनवस्थित, अवस्थित नहीं है। और अवस्थित एक सा रहता है, वर्धमान वर्धमान में निरंतर बढ़ता ही है और हीमान निरंतर घटता है, अनुगामी साथ जाता है अनुगामी साथ नहीं जाता, ये है इसके छह। सभी ये वर्धमान बढ़िया है अनुगामी अच्छा है, दोनों अच्छे हैं। क्या की, क्या क्या बातें करें, मेरे को ही बता दो थोड़ी सी है? कुछ पूछना है क्या? अरे कहाँ से होता है ये भी सब दिया हुआ है, ये तो देश प्रत्यय और गुण भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय में, क्या सर्वांग से होता है और एक शरीर के अंदर चिन्ह विशेष होते हैं, जैसे नाभि के वहाँ पे शंख आदि चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों के माध्यम से होता है, माने वहाँ जो आत्मा के प्रदेश होते हैं उनके निमित्त से जानना होता है, और एक सर्वांग से होता है, दो प्रकार के ये क्या इसमें सब लिखा हुआ है, क्या लिखा है इसमें? इसमें नहीं दिया, ये गोमट सांस्कृतिक कांड में दिया है कि कौन सा भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय, मैंने कौन सा अवधि ज्ञान किन से उत्पन्न होता है, एक सर्वांग से उत्पन्न होता है, एक शरीर में जो स्थित चिन्ह होते हैं उनसे उत्पन्न होता है, ऐसे अलग 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 चीज़ों के निमित्त से होता है, ये ध्यान दिया। तब तक अपन इसमें से पढ़ लें थोड़ा आएंगे, जब तक छम निमित्तक नामक अवधि ज्ञान छह प्रकार का होता है और वह मनुष्य और त्रियंशों के होता है। अवधि ज्ञानावरण कर्म का छम जिसमें निमित्त है उसे छम निमित्त अवधि ज्ञान कहते हैं, यद्यपि सभी अवधि ज्ञान छम के निमित्त से होते हैं फिर भी इस छह अवधि ज्ञान का नाम छम निमित्त इसलिए रखा गया है कि इसके होने में छम एक प्रधान कारण है भव नहीं, ये तो मैंने रिपीट पढ़ा। अब देखो इसी से इसे गुण प्रत्यय भी कहते हैं, इसके छह भेद हैं, अनुगामी अननुगामी वर्धमान हीयमान अवस्थित अनवस्थित। जो अवधि ज्ञान अपने स्वामी जीव के साथ जाता है साथ साथ जाता है उसे अनुगामी कहते हैं, उसके तीन भेद हैं क्षेत्रानुगामी भवानुगामी और उभयानुगामी। जिस जीव के जिस क्षेत्र में अवधि ज्ञान प्रकट हुआ वह जीव यदि दूसरे क्षेत्र में जाए तो उसके साथ जाए और छूटे नहीं उसे क्षेत्रानुगामी कहते हैं। जो अवधि ज्ञान परलोक में भी अपने स्वामी जीव के साथ जाता है उसको भवानुगामी है, और जो अवधि अन्य क्षेत्र में भी साथ जाता है और अन्य भव में भी साथ जाता है वो उभयानुगामी। इसका मतलब ये हुआ कि भव में साथ जाने पर भी क्षेत्र का नियम नहीं है, यदि भव में साथ जाएगा और क्षेत्र में जाएगा ही जाएगा ऐसा नियम होता तो उभयानुगामी नाम का एक तीसरा भेद नहीं करते, क्योंकि फिर तो ये नियम ही हो जाता है कि जिसको भाव है उसको क्षेत्रानुगामी तो है ही, लेकिन ऐसा नहीं है भाव में साथ जाए और क्षेत्र में साथ न जाए, ऐसा हो सकता है उसी क्षेत्र में उत्पन्न हो जाए भाव बदला क्षेत्र नहीं बदला, भाव में साथ जाएगा क्षेत्र में साथ नहीं जाए, ये कह रहे हैं क्योंकि यदि भाव में साथ जाने पर क्षेत्र में साथ जाते ही तो भव भवानुगामी जिसको है उसको दोनों है ही नियम से रखे रहते,
देवलोक भी जा सकता है, देवलोक भी हो सकता है। हाँ तो भवानुगामी तीन अलग अलग है, मतलब क्षेत्रानुगामी, भवानुगामी और विज्ञानुगामी। जो अवधि ज्ञान अन्य क्षेत्र में भी साथ जाता है और अन्य भव में भी साथ जाता है, साथ वह उभयानुगामी। और जो अवधि ज्ञान अपने स्वामी जीव के साथ नहीं जाता वह अननुगामी है। उसके भी तीन भेद है, जो पूर्वोक्त तीन भेदों में से उल्टे हैं, उससे उल्टे हो जाएंगे। क्षेत्र अनुगामी, भव अनुगामी और उभय अनुगामी, जो दोनों में साथ नहीं जाए। विशुद्ध परिणामों की वृद्धि होने से जो अवधि ज्ञान बढ़ते ही जाता है, बढ़ने में क्या कारण है, विशुद्धि, उसे वर्धमान कहते हैं। और संक्लेश परिणामों की वृद्धि होने से, कषायों की वृद्धि होने से, पहले तो हो गया अवधि ज्ञान लेकिन बाद में संक्लेश हुआ उत्पन्न, कषाय कषाय पैदा हो गई और कषाय बढ़ती गई तो क्या हुआ उससे, संक्लेश परिणामों की वृद्धि होने से जो अवधि ज्ञान घटता ही जाता है उसे हीमान कहते हैं। और जो अवधि ज्ञान जिस मर्यादा को लेकर उत्पन्न हुआ हो उसी मर्यादा में रहे, न घटे और न बढ़े, जैसे नदी का जल, शरद ऋतु का जल जैसा है तैसा का तैसा, अथवा अपने शरीर की स्थित अंदर जो मसा वगैरह चिन्ह होते जैसे कि तैसे रहे, तो न बढ़ा न घटा, तो वो कहलाता है अवस्थित। और जो हो घटे बढ़े, कभी घट जाए कभी बढ़ जाए, समुद्र की तरंगों के समान, उसे क्या कहते हैं, अनवस्थित। जैसे छह भेद, ठीक है, इसमें कुछ पूछना हो पूछ लो, ये तो हो गया अपना, कॉपी की पूरा हो गया आज, समय भी लगभग हो गया। इसमें बताया था मैं कौन सा कहाँ से होता है। उत्पन्न कहाँ से होता है, ये बहुप्रत्यय अवधि ज्ञान पेज नंबर 188। देखो भावार्थ 188 मिल गया, उसका भावार्थ पेज नंबर 188 निकाल ले लो सब लोग, घूमट सा और भी रखे अंदर बहुत सारे, जिसको चाहिए हो ले लो, जिसको नहीं पढ़ना हो मत ले। बहुत है अंदर, बहुत भीड़ है, सबको दे दो बाकी लोग। मिल गया 188 पेज पे भावार्थ, ऊपर ऊपर पढ़ रहा हूं। नाभि के ऊपर शंख पद्म वज्र स्वस्तिक कलश आदि जो शुभ चिन्ह होते हैं, उन जगह के आत्म प्रदेशों से प्रकट होने वाले अवधि ज्ञानावरण तथा विजयांतराय कर्म के क्षयोक्षण से गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है, किंतु बहुप्रत्यय अवधि ज्ञान संपूर्ण आत्म प्रदेशों से प्रकट होता है। ये हो गया बहुप्रत्यय सारे आत्म प्रदेशों से होगा, और गुण प्रत्यय के लिए जो नाभि के ऊपर जो शंख पद्म वज्र स्वस्तिक कलश वगैरह जो शुभ चिन्ह होते हैं, उन जगहों के आत्म प्रदेशों से प्रकट होने वाले अवधि ज्ञान को क्या कहते हैं, गुण प्रत्यय। कौन कहाँ से हो रहा है, मैंने अवधि ज्ञान जो शरीर में विशेष चिन्ह होते हैं उन जगह पर स्थित आत्म प्रदेशों से होता है, और बहुप्रत्यय सर्वांग से होता है। ठीक, और भी इसमें वर्णन दिया बहुत लंबा, अवधि ज्ञान का तो बहुत डिटेल है वर्णन, तिरंचों में भी होंगे कोई ना कोई चिन्ह। और कोई प्रश्न, बाकी अब आप लोग सलवार सिद्धि पढ़ के आना इसकी, ठीक है, अभी अपन इतना ही रखते हैं आज।